नमस्कार दोस्तों, टुडे नॉलेज यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए स्टेट के कुछ पुराने पेपर। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 16-17 नवंबर को स्टेट की परीक्षा करवाने जा रहा है, तो उसी को देखते हुए मैं स्टेट के कुछ पुराने पेपर लेकर आया हूँ, ताकि नए कैंडिडेट्स को पैटर्न के बारे में पता चले कि एग्ज़ाम कितना गहराई से और कैसा आता है। यदि आप हर रोज़ स्टेट से संबंधित मटेरियल पाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का पार्ट लेकर आया हूँ। ये उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं या ज्योग्राफी या एसएससी स्टेट का एग्जाम देना चाहते हैं, ये उन दोनों ही के लिए फायदेमंद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी के पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है आपका, परवाल भित्ति की वृद्धि के लिए उपयुक्त दशाएं हैं। आपके ऑप्शन है, तापमान 68 डिग्री फारेनहाइट से 70 डिग्री फारेनहाइट के मध्य होना चाहिए, लवणता 27 से 30 के मध्य, 50 पदम की गहराई तक जलमग्न चबूतरे और शुद्ध जल। तो इनमें से कौन सा आंसर आएगा? इसमें चारों ही आंसर, सॉरी तीन पार्ट इसमें सही हैं। इसमें कौन कौन से सही पार्ट हैं? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पार्ट। गहराई जो है वो 250 पदम होनी चाहिए, ये यहाँ पे गलत दिया गया पॉइंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन में निशान लगा रखा है, आप देख लेना। कोरियोलिस प्रभाव उत्पन्न होता है पृथ्वी के परिभ्रमण से। कोरियोलिस प्रभाव किस वजह से उत्पन्न होता है? पृथ्वी के परिभ्रमण गति की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बोनिफेरस काल एक हिस्सा है पेलियोजोइक महाकल्प का। किसका हिस्सा है कार्बोनिफेरस काल? एक पेलियोजोइक महाकल्प का। 94 का क्वेश्चन करते हैं, दून एवं दुआर हिमालय श्रृंखला के किस भाग में पाए जाते हैं? शिवालिक भाग में। दून और दुआर हिमालय के किस भाग में पाए जाते हैं? शिवालिक में, यानी कि जो भारी हिमालय का भारी भाग है उसमें दून और दुआर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत जनांकी की संक्रमण की किस अवस्था से गुजर रहा है? अवस्था तीन। अवस्था तीन से भारत जनांकी की संक्रमण की तीसरी अवस्था से गुजर रहा है। दोस्तों ये जितने भी आंसर हैं ये सारे हरियाणा बोर्ड के आंसर की के तहत हैं, इसलिए अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में भारत से कम जैव विविधता पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलेशिया। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा राज्य प्राकृतिक रबड़ का अग्रणी उत्पादक है? तो भारत में प्राकृतिक रबड़ सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पन्न होता है? केरल में। केरल सबसे बड़ा प्राकृतिक रबड़ का उत्पादक है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन से परिवहन माध्यम से लंबी दूरियों के लिए प्रति इकाई परिवहन लागत न्यूनतम आती है? जल परिवहन। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जल परिवहन। जल परिवहन में प्रति इकाई परिवहन लागत बिल्कुल न्यूनतम आती है, और इसीलिए विभिन्न देशों के बीच व्यापार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जल परिवहन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो, हंटिंगटन। प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी किसने लिखी है? हंटिंगटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा विवर्तनिक बलों का परिणाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भरिंस घाटी। भरिंस घाटी का निर्माण विवर्तनिक बलों के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न राज्यों में से किसमें नहरी सिंचाई का सर्वाधिक क्षेत्र है? नहरी सिंचाई सर्वाधिक किस राज्य में होती है इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से? उत्तर प्रदेश में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन, यानी कि उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वान झील किस देश में है? वान झील टर्की में है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि तीन नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा वर्तमान में बनाए जाने वाले 1:25,000 मापनी के किसी धरातल पत्रक की सही सूचक संख्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 72/H/14। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरी धारा गर्म धारा नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा
फोकलैंड की धारा। अब इंग्लैंड की धारा जो है ना वो ठंडी धारा है दोस्तों, गर्म, बाकी तीनों ही गर्म धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, निम्न में से किस राज्य में तापीय शक्ति संयंत्र स्थित है, और इनमें से सही आंसर हो जाएगा आपका असम, असम में तापीय शक्ति संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, बिग बैंग सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, बिग बैंग सिद्धांत को किसने परिवर्तित किया था, जॉर्ज लेमेंटर ने, इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऋतु प्रवास को किस क्षेत्र में रहने वाले लोग अपनाते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्र, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र के लोग होते हैं वो ऋतु प्रवास को अपनाते हैं, वो अधिक सर्दियों में नीचे मैदानों में आ जाते हैं अपने पशुओं को चराने के लिए, और जब सर्दियां खत्म हो जाती हैं तो गर्मियों में वो अपने पशुओं को लेकर पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचाई पर चले जाते हैं, तो ऋतु प्रवास को ज़्यादातर कौन से लोग अपनाते हैं, पर्वतीय क्षेत्र के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर स्थित है, और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है, अहमदाबाद में, इसका सही आंसर हो जाएगा दो नंबर ऑप्शन, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है, अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, पृथ्वी की आकृति का सबसे सही वर्णन क्या है, तो पृथ्वी की सबसे सही आकृति क्या है, भूभाग, यानी कि जियोइड, इंग्लिश में इसको जियोइड बोलते हैं, तो पृथ्वी की सही आकृति क्या है, भूभाग, तीन नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पृथ्वी के अंतरतम में संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चार नंबर ऑप्शन, पृथ्वी सतह के नीचे रेडियो सक्रिय तत्वों की उपस्थिति, इसी वजह से पृथ्वी में संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति होती है, किसके कारण, रेडियो सक्रिय तत्वों की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, अरावली पहाड़ियां एक उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत का, किसका उदाहरण है, अरावली की पहाड़ियां अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है दोस्तों, यानी जो शेष बचे हुए पर्वत हैं वो जिन्होंने नदियों ने काट छाट कर जिनके सिर्फ अवशेष ही बचे हैं अब, तो अरावली पहाड़ियां किसका उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत का। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पृथ्वी पर सबसे पुराने पर्वत जो हैं वो अरावली की पहाड़ियां ही हैं, और जो सबसे नवीन पर्वत है वो हिमालय पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अंधी घाटी का निर्माण होता है भूमिगत जल द्वारा, अंधी घाटी का निर्माण कौन सी प्रक्रिया द्वारा होता है, भूमिगत जल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टेलीग्राफ पठार स्थित है, तो टेलीग्राफ पठार कहाँ स्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, और इस टेलीग्राफ पठार इसका नाम कैसे पड़ा ये भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले इसी पठार पर अमेरिका और लंदन के बीच टेलीग्राफ की तारें बिछाई गई थी, और इसी वजह से इस पठार का नाम टेलीग्राफ पठार पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से उद्गमित नहीं होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तापी नदी, तापी नदी महादेव की पहाड़ियों से निकलती है, बाकी तीनों ही नदियां अमरकंटक पठार से निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला, ये तीनों ही नदियां अमरकंटक पठार से निकलती हैं, और तापी नदी महादेव की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यदि दो स्थानों के बीच मानचित्र व धरातल पर मापी गई दूरियां क्रमशः 2 सेंटीमीटर व 1.5 किलोमीटर हों, तो मानचित्र की मापनी होगी, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1:75,000। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक सांद्रण किस गैस का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, सर्वाधिक सांद्रण किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का, जिन नीचे गैस दी गई है इनमें सबसे ज़्यादा मात्रा कौन सी गैस की पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सी सतह अधिकतम अनुमानित माध्य अल्बिडो मूल्य रखती है, तो सबसे ज़्यादा अल्बिडो किसका है, ताज़ा हिम का, यानी प्रकाश का परावर्तन सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है, बर्फ के ऊपर टकराने से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कहाँ सड़कों का घनत्व सबसे कम है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में सबसे कम सड़कों का घनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, महासागरों की गहराई मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा फदम मापी, फदम मापी किसके काम आता है, समुद्र की गहराई मापने के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिक्स की तापमापी किसके मापन हेतु उपयोगी है, तो सिक्स की तापमापी से हम क्या माप सकते हैं, न्यूनतम एवं अधिकतम दोनों ही तापमान मापे जा सकते हैं सिक्स तापमापी से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, निम्न में से कौन सी एक कायंत्रित सेल नहीं है,
इसका सही आंसर हो जाएगा चौक। बाकी तीनों ही नीस, सिस्ट और सलेट कायंत्रित सेलें हैं, जबकि चौक औषधि सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विषव को जंतु भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त करने वाले प्रथम सफल वैज्ञानिक कौन थे? वॉलेस। वॉलेस ने सबसे पहले प्रदेशों को, भौगोलिक प्रदेशों को जंतु आधार पर विभक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, खनिजों की कठोरता मापने के लिए कौन सा स्केल प्रयुक्त तो होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, मोह स्केल। इसका 3 नंबर सही हो जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपसोर की स्थिति होती है, ये भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, साधारण जीके में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अपसोर की स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को, जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बनिहाल दर्रा कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा पीर पंजाल। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। अगला पॉइंट हमारा, लानोज घास के मैदान पाए जाते हैं वेनेजुएला में। लानोज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? वेनेजुएला में। अगला क्वेश्चन करते हैं, हम ग्लोब पर क्रमशः कितने अक्षांश एवं देशांतर खींचे जा सकते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 181 अक्षांश एवं 360 देशांतर खींचे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पेट्रोलियम भंडार है? और इनमें सबसे बड़ा पेट्रोलियम भंडार कौन सा है? मुंबई हाई, यानी आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो इनमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किसके में? उड़ीसा में। वैसे 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बिहार का। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उड़ीसा। मध्य प्रदेश का 236 है, उड़ीसा का 269, राजस्थान का 201 और उत्तराखंड का 189। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भाभा परमाणु शोध केंद्र BARC जो कि पहले परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्रोम्बे AEET के नाम से जाना जाता था, किस वर्ष में स्थापित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1954। तो भाभा परमाणु शोध केंद्र कब स्थापित किया गया था? 1954। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी लौह अयस्क खान उड़ीसा में नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कर्नाटक में है, बाकी तीनों ही खाने बादाम पहाड़, स्क्विंद क्षेत्र और गुरु महिसानी उड़ीसा में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कुल जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें सही आंसर हो जाएगा आपका ए, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस चट्टान में संभवतः जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट में दोस्तों जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये एक आग्नेय चट्टान है, इसमें जीवाश्म अगर मौजूद भी होते हैं तो वो इस प्रक्रिया के दौरान समाप्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अधिक जलपूर्ति वाले क्षेत्र में उगने वाले पादप कहलाते हैं हाइड्रोफाइट। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट। जहां अधिक पानी होता है वहां पे जो वनस्पति होती है वो कौन सी होती है? हाइड्रोफाइट वनस्पति। अगला प्रश्न हमारा, अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर किस महासागर के किनारे पर स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न करते हैं हम, अक्षोभ मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ गिरता तापमान कहलाता है सामान्य ताप ह्रास दर। क्या कहलाता है? सामान्य ताप ह्रास दर कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, ज्वारीय ऊर्जा के लिए सबसे उपयुक्त जगह है? तो जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें सबसे उपयुक्त जगह कौन सी ज्वारीय ऊर्जा के लिए? भारत में खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी ज्वारीय ऊर्जा के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है भारत में। अगला प्रश्न करते हैं हम, ग्रेबेन है, ग्रेबेन क्या है? एक निम्न भरिंग क्षेत्र है। अगला प्रश्न, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर, 1.64%। कितनी है भारत की औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर? 1.64। अगला प्रश्न करते हैं, निम्न में से कौन सा सही मेल नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरु शिखर। और गुरु शिखर कहाँ स्थित है? राजस्थान में।
महाबलेश्वर महाराष्ट्र में स्थित है, अयोध्या की पहाड़ियाँ पश्चिम बंगाल में, हरिश्चंद्रगढ़ पश्चिम घाट में, जबकि गुरु शिखर कहाँ है, अरावली पहाड़ियों का सबसे उच्चतम स्थान है और ये राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित चिंतन फलकों में से किसकी स्थापना परिमाणात्मक क्रांति के सहारे हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा मानववाद। मानववाद की स्थापना 1970 के दशक से आरंभ हुई थी और ये परिमाणात्मक क्रांति के विपरीत मानववाद की शुरुआत हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विश्व सामरिक दृष्टिकोण में रिमलैंड का विचार किसने दिया था? तो रिमलैंड के विचार कौन थे? स्पाइकमैन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, याद रह जाएगा आपको आराम से। रिमलैंड का जहां भी नाम आए वहां आंसर स्पाइकमैन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत की केंद्रीय मौसम प्रेक्षणशाला अवस्थित है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों नई दिल्ली में। नई दिल्ली में स्थित है, इसको आरंभ में पुणे में स्थापित किया गया था, उसके बाद इसको नई दिल्ली में स्थापित कर दिया गया स्थानांतरित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओजोन परत वायुमंडल के कौन से भाग में पाई जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। अगला क्वेश्चन करते हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर में ग्रैंड बैंक जाने जाते हैं छिछले पानी में मत्स्य पालन के लिए। ग्रैंड बैंक किस लिए फेमस है? मत्स्य पालन के लिए, यहाँ पे सर्वाधिक मछलियां पकड़ी जाती हैं। अगला प्रश्न करते हैं हम, किस वैज्ञानिक ने पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया? इसका सही आंसर हो जाएगा पारिस्थितिक तंत्र का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था टॉमसलेन। अगला प्रश्न करते हैं, साइडवॉक कृषक एवं सूटकेस कृषक किस प्रकार की कृषि की विशेषता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापारिक अनकृषि। सही आंसर इसका दो नंबर होगा, व्यापारिक अनकृषि को क्या कहते हैं, साइडवॉक कृषक एवं सूटकेस कृषक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न करते हैं, बहुत ही ईजी है, जापान का मैनचेस्टर कहलाता है ओसाका। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोनेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और मोनेक्स का संबंध मानसून से है। मानसून की जानकारी के लिए हिंद महासागर में चलाया गया एक अभियान था मोनेक्स, जो भारत और रूस दोनों ही देशों ने मिलकर चलाया था। अगला क्वेश्चन हमारा और अंतिम क्वेश्चन है, मानचित्र के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी मापनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1:10,000। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ स्टेट से संबंधित पुराने पेपर जिसमें मैंने सिर्फ ज्योग्राफी का पार्ट करवाया है। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं आगे भी ज्योग्राफी के कुछ और पुराने पेपर अपलोड करता रहूँगा। अगर आप पूरा पेपर अपलोड चाहते हैं जिसमें हिंदी इंग्लिश हरियाणा जीके और बाल विज्ञान और शास्त्र का पार्ट भी यदि आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।